तो दोस्तों देखिए, ये हमारे किचन पे लगे हैं ड्रॉर। और इन ड्रॉर के क्या हैं दोस्तों, जो ये होते हैं हैंडल, ये भी हमारे टूट चुके हैं इनके सभी के ही। और आज हम इनको रिपेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आज इनको किस तरह से रिपेयर करेंगे। ये देखिए दोस्तों, अभी टाइट भी हो रहे हैं, देखो इजीली नहीं चल रहे हैं। आज हम इनको रिपेयर करेंगे, कितना टाइट हो रहे हैं। तो आपको आज दिखाएंगे इनको रिपेयर कैसे करें। तो इनको रिपेयर करने के लिए सबसे पहले दोस्तों हमने इनको खोल लिया है। और अब हम इनको खोलने के बाद इसके जितने पार्ट्स हैं उनको अलग अलग करके, और जो जो हमारा पार्ट्स ख़राब है उनको चेंज करके फिर हम इसको रिपेयर करेंगे। तो आप हमारे इस वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे ऐसे नए नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें दोस्तों। और दोस्तों केवल मैं आपको ये वीडियो सिखाने के लिए बताता हूँ, अगर आप इसमें थोड़ा से भी नॉलेज रखते हैं तो ही आप इस काम को अपने घर पर करिएगा, वरना आप भी मेरी तरह मम्मी से मार खाओगे अगर आप इसको रिपेयर नहीं कर पाए। और मैंने तो कर लिया, मैं इस बार तो मैं बच गया। अब अगली बार का दोस्तों आपके हवाले है। अगर आप हमारे इस वीडियो को वायरल करते हो तो मैं आपके लिए और एक इंटरेस्टिंग वीडियो डालूँगा। दोस्तों ये हमने निकाल दिए इसके, और हम इसकी सफाई कर लेंगे बढ़िया से। अच्छे से। और अब हम इसमें सबसे पहले मार लेंगे दोस्तों पेंट, क्योंकि जो हमारा है दोस्तों बिना पेंट के ख़राब हो रहा है। अब हम इसमें पहले पेंट मार लेंगे, तब उसके बाद इसको दिखाएंगे आपको। क्योंकि जिससे कि हमारी जो वुड है दोस्तों ख़राब हो रही है। इस लड़की को हम बहुत ही गोरा कर देंगे व्हाइट पेंट करके। तो आप अभी देख सकते हो हमने इसमें पेंट कर लिया है। अब हमारा इस पेंट से क्या है कि इस वुड की भी लाइफ बढ़ जाएगी और हमें इजी अच्छा भी लगेगा थोड़ा सा देखने में। तो देख सकते हो आप, अब हम इसको भी अलग अलग कर लेंगे। फिर जो हमारा इस पे ये प्लाईवुड लगा है, अब हम इसको भी इससे खोलने के बाद इसमें पेंट करेंगे। तो आप देख सकते हो,
अब हम जो इसकी ये जाली है स्टेनलेस स्टील की, हम इसको अच्छे से विम वार से धोएंगे। तो देखिए मैं मेरे चैनल भी रहते हैं।
बहुत छोटी छोटी वीडियोस को बना सकते हैं जिससे सब कुछ रेडी कर रखा, 5-10 मिनट लगेंगे, 15-20 मिनट लगेंगे, उसको लाइक कर सकते हैं। क्यों से ज्यादा वीडियो होता है, इतनी देर तक देखे हो कौन? तो नाम नहीं आएगा उधर लिखो। मम्मी मेरे दोनों आपको सामान है, इसने नहीं दिया, अगर आपने नहीं देना तो आपको बुलाती हूँ ना आपको। ये हमने उसके लिए चैनल ले आए हैं खरीद के, जो हमारे ड्रॉर हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा KB प्रीमियम कंपनी के नाम से आता है, इसमें आपको देखिएगा यहाँ पर 5 ईयर्स की वारंटी मिलती है हमको, और मैं भी आपको इसको लगा के दिखाऊंगा इसको किस तरह से लगेगा। तो दोस्तों, जो इसको लगाने के लिए हमको क्या करना है, इसको दोस्तों ये पूरा निकालना है। पूरा निकालने के बाद आपको देखिए यहाँ पर ये पिन दिखेगी। तो दोस्तों, आपने स्पिन को क्या करना है, इसको आपको डाउन करना है और ये आपका खुल जाएगा। और ये दोस्तों, जो ये वाला चैनल है, आपको इसको उस पर लगाना है। तो ये आप तो उधर लगा कर दिखाते हैं, मिलते हैं आपको वहीं। तो दोस्तों, ये हमारा जो इसका मॉडलर का चैनल है, हमने इसमें लगा दिया है। अब हम इसमें देखेंगे इसको लगा के कि ये फिटिंग कैसी आ रही है इसकी। तो देख सकते हो, इसको ये देखिए दोस्तों, जिस तरह का जैसा उसी तरह हमने वॉकर लगा दिया है। अब देख सकते हो कितना स्मूथ ये चल रहा है। इसी तरह बाकी के भी हमने ऐसे लगाने हैं। देखिए, हम आपको दिखा देते हैं, वीडियो लंबी ना हो दोस्तों, इसलिए हम आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रहे हैं।
तो आपको पता है अभी हमने इसमें किचन में अपना ये मॉडलर रिपेयर किए थे और अब देखिए अब हम इसमें ये जो वॉलपेपर है हमने ऑनलाइन अमेजोन से मंगाया है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा अगर आपको भी ये मंगाना होगा तो। अब हम इस पर दोस्तों इस वॉलपेपर से स्क्रैच लगाएंगे यहाँ पर और अभी आपको ये लगा कर दिखाते हैं किस तरह से लगेंगे। पहले हम इसके चार पीस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं आपके इस तरह से नाप के हमने इसमें चार पीस कर लेंगे इसके और इसको कटिंग के लिए दोस्तों सिंपल ये जो थर्माकोल कटर होता है पेपर कटर आपको इसका यूज करना है। कटिंग करेंगे, कटिंग करने के लिए हमने इसमें एक चीज रख लेनी है और इस नाइफ से कुछ इस टाइप से काट लेना है। देखिए हमारी इसकी कटिंग हो चुकी है और अब हम इसको इस पर जो ये पीछे वाला पेपर लगा है इसको पील करके फिर अब हम इसको इसमें चिपकाएंगे। ठीक है ना, ये क्या लगा है? पलटा दे उसको, पलटा नीचे की तरफ कर दो, ये लगा रहा होगा उसमें टेप। तो दोस्तों जो इसका पेपर है अब हम इसको फिल करेंगे।
तो दोस्तों हमारी इसकी बीडिंग भी काफ़ी सारी ख़राब हो चुकी थी, अच्छी नहीं लग रही थी, तो इसलिए हमने इसमें नई बीडिंग ला के और नई बीडिंग लगाई है। तो देख सकते हो अभी बीच नई बीडिंग लगाने के बाद इसका लुक कितना चेंज हो रहा है। दोस्तों ये हमारे किचन का फाइनल लुक देख सकते हो आप किस टाइप से पहले था और किस टाइप से अभी है। तो दोस्तों ये हमारे किचन का नया लुक आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप ऐसी हमारे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट कीजिए, हम आपको किस चीज़ को मॉडिफाई या रिस्टोर करके दिखाएँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, बाय बाय।